कोई आपत्ति नहीं, हमें क्यों, हमें बताइए, हम तो कहते हैं अजान से और तेज अजान बजाइए, क्या दिक्कत है। हम आरती इससे पहले नहीं होता था, हम भागवत भी होता था, हनुमान चालीसा भी होता था, अजान भी होता था। तब तो 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जलसेना, थलसेना, वायुसेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक जगह का मुख्यमंत्री हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दी, हम अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, जय बजरंग बली भी बोलते हैं, ठीक है, हमें क्या, आपको पता है जो अल्लाह अकबर भी कहते आप कहते, बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, भात भाइयों को सम्मति बुद्धि और सद्बुद्धि सब देनी चाहिए, क्यों नहीं कहेंगे आप बताइए। भगवान जय बजरंग बली और अली दोनों का देश है, के ऊपर बैन होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एक समुदाय के प्रति बुलडोजर चलेगा? आपने देखा होगा, अगर मेरा नाम तस्लीम है तो मैं बागत तरबूज बेच रहा हूँ तो मेरा पलट दिया जाएगा। क्या यही देश है? भारत देश यही है? ये भारत देश नहीं है, भारत प्यार और मोहब्बत से चलेगा। जो प्यार और मोहब्बत की बात करेगा उसके खिलाफ, उसके खिलाफ हमारी एकदम आवाज कम रहेगी। और जो कौन लोग है सरकार के सह पे हो रहा है, क्या क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल सरकार के सह पे हो रहा है। ये जो कौन है मोहन भागवत, अखंड भारत की जो बात करते हैं, ये अखंड भारत की बात करते हैं तो खंड खंड भारत करना। देखिए आप बताइए, खंड आपको, हमें बताइए, हमारा देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे चलेगा? भारत अखंड भारत मुस्लिम आ जाएंगे नहीं? देखिए आप बताइए, जिस तरह से क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दी, हम अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, जय बजरंग बली भी बोलते हैं, ठीक है, हमें क्या, आपको पता है जो धर्म के नाम पे इनको पता, हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ते हैं ये अब क्या राइमिंग कैसे होती है, ये क्या करना चाहते हैं तो पढ़ रहे थे, क्या दिक्कत? नहीं देखिए शोर में अब आप जूता पहन के हमसे आप बोलेंगे तो ये नहीं, ये धर्म नहीं कहता। सांस्कृत किसी को आप झंडा पकड़ के और कहीं झंडा नहीं फहरा करते, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हम इंकलाब के लोग हैं, हम सभी के साथ, हमारा सभी समाज एक साथ रहेगा। आपको अजान से कोई आपत्ति नहीं? हमें क्यों, हमें बताइए, हम तो कहते हैं अजान से और तेज अजान बजाइए, क्या दिक्कत है। हम आरती इससे पहले नहीं होता था, हम भागवत भी होता था, हनुमान चालीसा भी होता था, अजान भी होता था। तब तो 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जलसेना, थलसेना, वायुसेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक जगह का मुख्यमंत्री हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। अरे क्या कहना चाहते हैं, राजनीतिक धार्मिक सियासत करना चाहती है। मैं इस देश को युवाओं से भावी कबील करना चाहता हूँ कि आप लोग इन जैसे लोगों की आड़ में मत आइए, आपको भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, आप मुद्दों की बात करिए, ये मुद्दों से भटका के आपको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आप इस लड़ाई में हमें थोड़ा संघर्ष है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भगवान लगा रहे हैं, वो भटक गए हैं क्या? बिल्कुल भटक गए हैं, कह रहे हैं आप बताइए। इससे पहले हम जितने हम मुसलमान भाई के साथ, हम तो कल बैठ के इस तारीफ भी देखिए, जिस तरह से ये नहीं है, पहले रामनवमी में भी हमारे लोग सब आते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से ये धार्मिक मुद्दे इस देश में उछाले जा रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं उसको नदारद किया जा रहा है। लेकिन हम इस लड़ाई को सबके साथ लड़ेंगे। हम यहाँ किस लिए पहुंचे? क्योंकि इस देश में जिस तरह से तोड़ा जा रहा है लोगों को आपस में, हिंदू मुसलमान के नाम पे अजान चालीसा, क्या है देश कैसा बनाना चाहिए? हिंदू की हितैषी सरकार तो मानी ही जा रही है, तो फिर हिंदू कैसी हिंदू हितैषी सरकार है भाई? हिंदू हितैषी सरकार है ये? आप देश के हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी मौन हैं, हम तो पोस्टर लगवा दिए हैं, लापता गृह मंत्री भाई, लापता है वो अभी नहीं, उनको चुप्पी टूट रही, जैसे चुनाव आ जाएगा देश में तुरंत उनको हो जाएगा। तो ये केवल धार्मिक उन्माद के लिए और इन जैसे संगठनों के लिए बैन कराने के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या तो मोदी मैं है, राम मैं है, तो वहाँ देखिए हम अयोध्या, आप हो गए क्या? नहीं अयोध्या हमारे हमारे यहाँ आप देखिए कोई अजान लगा के कभी कोई को कर रहा है कि हमें लाउड स्पीकर चालीसा चाहिए, आपको खबर मिली है? तो हम उसी धरती से आते हैं जो त्रेता युग में भगवान राम ने सबके लिए सबके साथ, राम सबके थे ठीक है, और इन्होंने किसको बांटने का काम किया? बजरंग बली, राम, ईश्वर, अल्लाह, तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो हे भगवान, भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है, इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश आने का समय आ गया है और ऐसे विनाशगिरियों को खात्मा होना चाहिए। और देश से अगर ऐसे नफरत फैलाने का काम करेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और हमेशा जेएनयू के साथ वहाँ
पुलिस मुख्यालय के सामने भी हम लोगों को समर्थन किए और हमेशा खड़े रहेंगे क्योंकि आवाज हमारी बुलंद है, हमें कोई बांटने का वाला। आप तो यूपी से आते हैं, बुलडोजर की सरकार है वहाँ पे, क्या आनंद आ रहा है? 2 महीना हो गया। देखिए बुलडोजर की सरकार इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भी है, इस देश में सभी का देश है, ठीक है। ये आपके कानून से नहीं चलेगा, गरीब के और मजलूम के, निर्दोष के ऊपर बुलडोजर चलेगा और बजरंग मुनि कहाँ जाएंगे? तो इस देश में जो हमारे कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, कह रहे हिंदू खतरे में है देश में, भाई कैसे आप, मैं फिर वही कहा, खतरे में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अब हिंदू नहीं खतरे में है। आज चुनाव देखे हैं, आज चुनाव का रिजल्ट देखे हैं, इसी तरह से ध्वस्त होती जा रही है, पूरा ध्वस्त, भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा। और इंकलापी लोग हैं, हम एकता की बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमेशा रहेंगे। अगर हमें साथ में अगर कुछ भी करने की जरूरत हो, हमेशा खड़े रहेंगे। अयोध्या और देश की जनता हमारे साथ खड़े होने का काम करेगी। नहीं भाई, हम खड़े हैं बीजेपी के साथ, हमारे जैसे आवाज बुलंद होगी तो बीजेपी। आप तो गुमराह हो गए। अरे गुमराह, अब आप कहेंगे ना आप सर्टिफिकेट लेके बांट रहे हैं, वही बात है, इस देश में कुछ लोग मीडिया सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप उन लोगों के समर्थन में क्यों नहीं है? आपको तो होना चाहिए, आपको तो समर्थन में होना चाहिए कि 5 वक्त हनुमान चालीसा होना चाहिए। नहीं अब बताइए, मैं कह रहा हूँ 5 वक्त हनुमान चालीसा सुबह, आपके हिंदुत्व पे सवाल उठा देंगे लोग, आपके हिंदुत्व पे सवाल उठा देंगे। मेरे हिंदुत्व तो फर्जी हिंदुत्व नहीं है। नहीं नहीं, मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले ये कौन होते हैं? ठीक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ये सब हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों है? हमें ये हमें अब यही, हम क्या बोल रहे हैं, हम रोड पे लेके हनुमान चालीसा थोड़ी चलेंगे, आप बताइए, रोड पे रामायण पढ़ा जाता है, मैं कहता हूँ क्या करना चाहते हो आप? अंजना ओम कश्यप बैठ के बस स्टी मीडिया में सुबह शाम बस यही काम है। नहीं है तो मीडिया में चले आ रहे हैं। आप बताइए आपको क्या दिक्कत, अगर 5 टाइम हनुमान चालीसा होता है? भाई 5 टाइम हनुमान चालीसा कौन से सनातन धर्म में लिखा है? क्या हम जूता पहने हनुमान चालीसा गाने लगे? माइक लगा हुआ तो हनुमान चालीसा गाने लगे? रामायण की गीता चौपाई और छंद पढ़ने लगे? अरे कौन से छछंदी लोग हैं? कम से कम अजान के बहाने तो भक्ति शुरू हो गई। अरे भाई देखिए, हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त हैं। देखिए हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त हैं और हमेशा सबके साथ हैं हम। ये नहीं है कि हम किसी आप को कहते हैं, अल्लाह अकबर भी कह देते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, भात भाइयों को सम्मति बुद्धि और सद्बुद्धि सब देनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए, भगवान जय बजरंग बली और अली दोनों का देश है ये, किसी तरह। अरे तो भाई सवाल क्यों ना उठाएं? इस देश में सवाल उठाना लाजमी है, इस देश में सवाल उठाना लाजमी है। हम देश का एक बयान आया था सोशल मीडिया पे आपने डाला था कि लाउड स्पीकर हम देंगे अपनी तरफ से, ये कैसा बयान है? नहीं देखिए, तो जो लोग कह रहे हैं ना, जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया जाएगा, इस देश में एकता की बात होगी। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।